अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लू वायरस और स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। इस लेक्चर के अंदर हम इन्फ्लुएंजा वायरस में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनको देखेंगे और उनके फंक्शंस भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, यानी वो स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंजा वायरस में कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। सो इन्फ्लुएंजा इज़ एन आरएनए वायरस विच एग्जिस्ट मोस्टली इन स्फेरिकल शेप। इन्फ्लुएंजा एक आरएनए वायरस है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और ये मोस्टली स्फेरिकल शेप में आपको नज़र आएगा। ये मोस्टली एग्जिस्ट करता है इन स्फेरिकल शेप, राउंड सी शेप होती है इसकी। अगर आपको एचआईवी की स्ट्रक्चर याद हो तो वो भी स्फेरिकल वायरस होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए होता है। बट डिफरेंस क्या है कि इन्फ्लुएंजा वायरस रेट्रो वायरस नहीं है, यानी ये अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं करता बट आरएनए की आरएनए में कापीज बनाता रहता है। इसका साइज़ होता है 80 to 120 नैनोमीटर इन डायमीटर, ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इट इज़ एन इन्वेलप्ड वायरस। याद रखिए, मोस्ट स्फेरिकल वायरसेस जो होते हैं वो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, यानी उनके ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है और वो लिपोप्रोटीन होस्ट से डिराइव्ड होती है, यानी वो लिपोप्रोटीन वो होस्ट से चुराते हैं। जब होस्ट सेल पर अटैक करते हैं तो अटैक करने के बाद जब रिलीज़ हो रहे होते हैं तो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर लपेट कर बाहर निकलते जाते हैं। सो वो जो लिपोप्रोटीन की लेयर होती है उसे इन्वेलप कहा जाता है। ओके, इन्वेलप कंटेन टू डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इनका जो इन्वेलप होता है उसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? एच ए हीमाग्लूटिनिन एंड एन ए न्यूरा एमिनिडेज, ये दो डिफरेंट टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इन दोनों का काम अटैचमेंट करवाना होता है वायरस को टू द होस्ट, और आल्सो ये सीजर का काम भी कर रही होती हैं, यानी ये जब वायरस एंटर हो चुका है सेल के अंदर, रेप्लिकेट हुआ है, तो वहाँ अंदर से सेल के अंदर से ये प्रोटीन्स बाहर निकालने में भी वायरस को हेल्पफुल होती हैं। रिलीजेज में भी काम करती हैं, सीजर का काम भी करती हैं, कट लगाने का काम भी करती हैं। मोस्टली हीमाग्लूटिनिन जो है वो अटैचमेंट का काम कर रही होती है और न्यूरा एमिनिडेज की जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो रिलीजेज का काम करवाती है वायरसेस को। फिर इन्वेलप के ज़रा सा अंदर आते हैं तो आपको एक इन्वेलप नज़र आएगा, एक और कोट नज़र आएगी, ठीक है, लेयर सी नज़र आएगी, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, उसे मैट्रिक्स प्रोटीन कहा जाता है, एक लेयर सी होती है। और इस प्रोटीन का काम क्या होता है? ये इन्वेलप को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, एडिशनल सपोर्ट देती है। इनसाइड मैट्रिक्स इन्फ्लुएंजा जीनोम इज इनकैप्सिडेटेड। फिर मैट्रिक्स के और अंदर आते हैं तो इन्फ्लुएंजा का जीनोम आपको मिलेगा और जीनोम जो है वो कैप्सिड के अंदर लिपटा होता है। फिर जो इन्फ्लुएंजा का जीनोम है उसके 8 स्ट्रैंड्स होते हैं आरएनए के, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस में आरएनए के 8 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हमने ज़रा सब पढ़ी हैं इनको डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इन्वेलप्ड वायरस है और स्फेरिकल है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसकी लुक स्फेरिकल होती है, राउंड सी लुक होती है, ठीक है। और ये इन्वेलप्ड वायरस है सो इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होगी, ये वाली जो लेयर आपको नज़र आ रही है ना, और लिपोप्रोटीन बाई लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन सी होती है, इस तरीके से आपको नज़र आ रही होगी, और इसको इन्वेलप कहा जाता है। हो गया क्लियर? इन्वेलप में हमने कहा कि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, एच ए एंड एन ए, हो गया क्लियर, और ये ऑल अराउंड प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पर मैंने थोड़े से एरिया में ड्रा कर रखी हैं। ये आगे एच ए, इसका काम मोस्टली अटैचमेंट करवाना होता है, और ये आगे एन ए न्यूरा एमिनिडेज, इसका काम मोस्टली सीजर का होता है, ठीक है, कट लगाना और जोड़ना इनका काम होता है, यानी ये होस्ट स्पेसिफिक करवाती हैं वायरस को के स्पेसिफिक सर्फेसिस पर जाकर अटैच होना है, रिस्पायरेटरी ट्रैक को अटैक करना है, ये डिफाइन कर रहे होती हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, इन्वेलप के थोड़ा सा अंदर आते हैं, हमने पढ़ा कि थोड़ा सा जब अंदर आते हैं तो आपको एक और लेयर सी नज़र आती है जो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सो हेयर यू कैन सी अनदर लेयर ऑफ प्रोटीन जो ब्लू कलर में मैंने ड्रा कर रखी है। इस प्रोटीन को मैट्रिक्स प्रोटीन कहा जाता है। इसका काम क्या है? एडिशनल सपोर्ट देना इन्वेलप को। फिर थोड़ा सा और अंदर आते हैं तो आपको जीनोम सा नज़र आएगा, ये ग्रीन कलर में वायरस का जीनोम होता है और 8 स्ट्रैंड्स वायरस के जीनोम के नज़र आएंगे, और ये आरएनए होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल इसका आरएनए है। अब ये जो आरएनए है ये कोट हुआ होता है, इनकैप्सिडेटेड हुआ होता है विद कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन होती है जो प्रोटेक्ट कर रही होती है जेनेटिक मटेरियल को। सो कैप्सिड जो होता है वो हेलिकल कैप्सिड, और हर आरएनए को सेपरेटली कैप्सिड जो है इनकोड कर रहा होता है, इनकोड नहीं सॉरी इनकैप्सिडेट कर रहा होता है, ठीक है।
ये जो होल स्ट्रक्चर है जिसमें टोटल जीनोम आ गया, टोटल आरएनए आ गया और टोटल ये जो कैप्साइड की प्रोटीन है, इस होल स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियो कैप्साइड बोलते हैं। और ये हमने शुरू के लेक्चर्स में स्टडी किया था कि न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल प्लस कैप्साइड विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियो कैप्साइड इन वायरसेस, राइट। यहाँ पर फिर आपको एट द एंड कुछ डॉट सरफेस भी नज़र आ रही होगी, डॉट सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, ये इसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। यानी क्योंकि ये रेट्रोवायरस नहीं है, इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, सो ये क्या है, इनके अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है इनके आरएनए को रेप्लिकेट करने में। सो दैट इज हाउ दे रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा अगर आपको मैं थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज दूं तो ये जो आरएनए होता है इनका, ये नेगेटिव सेंस आरएनए होता है, यानी इससे प्रोटीन बनने के लिए इस आरएनए की पहले कम्प्लीमेंट्री कॉपी बनती है और उससे फिर वो एज अ मैसेंजर आरएनए यूज़ होकर प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। इसके अलावा एक और आपको बता दूँ कि इन्फ्लुएंजा वायरस में क्योंकि 8 स्ट्रैंड हैं आरएनए के, सो इसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होती रहती है, इसलिए इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट आज तक हमने कोई वैक्सीन क्रिएट नहीं कर सकी, क्योंकि इसमें म्यूटेशन होती है और इसके ये जो पैटर्न्स हैं उनकी स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है, सो हम कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ क्रिएट ही नहीं कर सकते इन्फ्लुएंजा वायरस को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाने के लिए अपने आप को। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, सिंपल सा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।